घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि चींटियां तादाद में कितनी भी क्यों ना हो जाए गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती हैं। लोंगेवाला में जो ड्यूटी थी उस समय कुलदीप सिंह चांदपुरी जी का, कुलदीप सिंह चांदपुरी सरदार है, आप देखे होंगे बॉर्डर मूवी में इनका रोल सनी देओल ने किया है। अब ये कुलदीप सिंह, ये भैया पंजाबी सिख, अब ये लोग 1.25 लाख से नीचे कुछ सोचते ही नहीं है। चिड़िया नू में बाज लड़ावा, गिदड़ नू में शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम रखावा। खबर आया कि आपसे जो लड़ने आ रहे हैं ना पाकिस्तान की ओर से, वो ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहा है, उसके पास टैंक है, 2800 फौज है, बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा है, आपके पास केवल 120 जवान है कुलदीप सिंह, आप पीछे हट जाइए, आप पीछे हट जाइए, क्योंकि आपको हम ना, आप बहादुर हैं इसमें नो डाउट, लेकिन आप कैसे लड़िएगा उतनी भयानक फौज के पास यहाँ। उन्होंने कहा खालसा सिख है, नहीं हट सकते, हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उन पर क्या पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे। इनके पास ना ही टैंक को उड़ाने के लिए कोई संसाधन थे, टैंक को मारने के लिए एक जीप पर लगा हुआ छोटा सा तोप था, और इनके पास 3 माइंस लगे थे। माइंस समझते हैं आप लोग, टैंक जो होता है ना बम, उसको उड़ाने के लिए माइंस लगाए जाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये है माइंस, ये माइंस होते हैं, इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ओरिजिनल माइंस को लगा दिया, और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 4 खंधे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया ऐसे लाइन से। देखिए लाइन से पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई, पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहे कि भैया यहां तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे, ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में, इंजीनियर आते थे तो डर के मारे टिफिन निकालते थे, अरे बाप रे बाप, और टिफिन में तीन क्या पत्थर भर देते थे और डर के ले जाते थे, भागो 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 माइंस है माइंस है। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी, 3 बज गया, 3 बजे इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में ये तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो, तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिया था, एक उधर एक इधर एक इधर, तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगी ना कि भैया हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गया है, 120 को मिल के ऐसे थोड़े मारेगा सब, सोच रहा उधर से गोली इधर से गोली, धड़ाधड़ बम गोला धम सब चल रहा है यहाँ पर, इतना भयानक कहीं कोई 120 आदमी मिल के ऐसे मारता है, नहीं भाई इतना भयानक ऐसे सुनसान एरिया में कहाँ से कौन मार रहा है, एकदम तबाही मचा दिया। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या तबाही मचाया था आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये है पाकिस्तान का टैंक, ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थुर थुर दिया इसका यहाँ पे, ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का होकर फेंका गया। बताइए ये चांदपुरी साहब कैसा करना चाहिए, ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया आराम से मारिए, ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उसमें भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था, फोटो खींच रहे फोटो खींच, उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना, फोटो खींचे आप, आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए, हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है, हाँ अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए, देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का, ओहो ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में, सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो पूछ डाल रहा पूरा, एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। इनके आगे कौन खड़े थे, ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब को कहने लगे भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजे थी वो हंटर जहाज थी, ये हंटर जहाजे रात में नहीं उड़ सकती थी लेकिन दिन में उड़ सकती थी। रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूंचा पाकिस्तानियों को, इतना कूंच दिया कि गोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाजों का कि आप हुलिया देखेंगे ना पाकिस्तान के टैंक का ऐसे पड़ गया, ऐसा टैंक पूरा तबाह हो गया, सब पूरी तरह ध्वस्त हो गया इतनी भयानक युद्ध में।
3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और ये 4 तारीख का सकल देखिए पाकिस्तान का, इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा, ब्रिगेडियर साहब भागे और कहें कि भाग भैया न तो ये सब जान ले लेगा सब। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिया है म्यूजियम में, आज भी जाके देखिएगा ना तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए कि भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे। अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की औकात नहीं, देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आपकी, ये आपका टैंक है आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए यहाँ पर। हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे, लाश को गिद्ध खा गए थे सब। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ, हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए हो, रेगिस्तान को कब्रिस्तान, हम लोग हमला करने आए थे, शुरुआत तो तुमने किया था यहाँ पे, तो ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई वफाई का काम ये किए थे सब। अब पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है, आज भी वो नहीं सुधरे हैं, आज भी हमने जो चाइना पे वीडियो बनाया था उसमें वो हमको धमकी देता है कि भारत की आर्मी कुछ नहीं कर सकती। अरे भैया आप सोचिएगा भी मत, अभी के समय में तो मत सोचिएगा, जानते हैं क्यों, देख लीजिए इधर अभी कौन बैठा है भारत में, समझ में आ रहा है। आप लोग तो पहले पाकिस्तान वाले लोग इस बात पर रिसर्च कीजिए कि इनमें ज्यादा खतरनाक कौन है आपके लिए, हमको तो यही ज्यादा खतरनाक लगते हैं भाई, समझ में आप लोग को।